नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूं। मैं कल हरियाणा में मतगणना है, इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की सीट कितनी आने वाली, इस पे आप मुझे बताइए अपनी व्यक्तिगत राय। देखिए, ऐसा है कि मैं हरियाणा में 1.5 महीने रहा, मैंने काफ़ी इलाकों पे गए जाने का और समूहों से मिलने का मौका मिला। एक बदलाव की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जो 10 वर्षों से वहाँ पर है, डबल इंजन की सरकार के कारण बहुत लोग परेशान हैं, निराश हैं। किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, छात्र, महिलाएं सब परेशान हैं। वहाँ पे महंगाई का बहुत बड़ा विषय है, रोज़गार नहीं है, किसानों को एमएसपी नहीं टाइम पे मिल पा रहा, मुआवजे नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का की बाय बाय होने वाला है वहाँ पर, और उनको हटाकर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लाने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का करीब करीब मुझे लगता है जो वोटिंग परसेंटेज मैंने देखा है, बदलाव की का बयार है, तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम 65 से 70 सीटें आराम से मिल जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से 20 से नीचे ही रहेगी। अच्छा, तो अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। नौजवानों को वहाँ रोज़गार नहीं मिला है, रोज़गार 2 लाख वैकेंसीज खाली हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा हम भरेंगे सरकार में आकर। और इसके अलावा जैसे किसानों के आंदोलन के दौरान जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर ने और बाकी लोगों ने वहाँ पर उन लोगों को अपमानित करने का काम किया, गालियाँ दी, मारा पीटा, गोलियाँ चलाईं, इनके पर आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी से, और काफ़ी लोगों किसानों को जेल भी भेजने का काम किया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, तो उससे किसान भी बड़े नाराज़ हैं और गाँव किसान जो है उनका विरोध कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हरियाणा की जो जनता है वो अब खुद परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है और राहुल गांधी जी ने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उन्होंने 9 दिन हरियाणा में रहे, भारत जोड़ो यात्रा की, तो उससे माहौल काफ़ी बदला है और काफ़ी वहाँ पर आपसी विवाद पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, जातिगत आधार पर लोगों को लड़ाने की कोशिश की, इस बार वो चीज़ नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार रही है, वहाँ पर कोई भी जाति आपसी मनमुटाव नहीं है, सबको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ अगर मुद्दा नहीं मिला तो राहुल गांधी जी का वो जलेबी वाला एक जो है, जलेबी एक्चुअली राहुल गांधी जी ने सही कहा, बॉडीलाल की जलेबियाँ बनती हैं, बाकी और भी फैक्ट्रीज की जलेबियाँ आती हैं, तो मशीन्स बने हुए हैं, दुबई में भी बनती है, भारत में भी बनती है। इन आरएसएस वालों को अपना ज्ञान करना चाहिए, उनको अज्ञानी लोगों को पता ही नहीं है कि फैक्ट्रीज में भी मशीन्स आई हैं जलेबी बनाने। अच्छा, तो वो उनकी आईटी सेल जो है उसे वो गलत तरह से प्रमोट कर रहे थे, उनका काम ही वही है, उल्टे पुल्टे काम है, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग, इसलिए सब चीज़ें आपको देखती है।